अस्सलाम वालेकुम, उर्दू टच की जानिब से मैं हूँ जुयम सागर। दोस्तों, ये हमारी 3D एल्बम CS की थर्ड वीडियो है। फर्स्ट में हमने 3D CS को इंस्टॉल करना सीखा, टू में हमने इमेज को इंपोर्ट करना सीखा। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम PNG इमेज को 3D एल्बम CS में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू टच को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है जी, तो अब हम सबसे पहले यह देख लेते हैं कि हम PNG इमेज क्रिएट कैसे कर सकते हैं। अक्सर आप में से लोगों को पता होगा, इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जिसे नहीं भी पता है तो हम उसको बता देते हैं कि आपने अडोब फोटोशॉप में इमेज को ओपन करना, लैसो टूल की मदद से यहाँ से इमेज को अच्छी तरीके से जितना भी आपका टाइम लगे अपने लगा के इमेज को एक अच्छे अंदाज में कट कर लेना। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी सिर्फ आपको तरीका बता देता हूँ। अगर आपको तरीका नहीं भी पता तो आप हमारा अडोब फोटोशॉप का कोर्स देख सकते हैं, कंप्लीट हमारे चैनल पे पड़ा है, तो आप वहाँ से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं जी। तो मैं यहाँ से इसको जल्दी जल्दी कट कर लेता हूँ। ठीक है जी, जब आप कट कर लेंगे तो आपने यहाँ पे मूव टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने न्यू फाइल लेनी है और यहाँ से अपने ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके ओके कर लेना है। ठीक है जी, और यहाँ से आपने इसको जो इमेज आपने कट की होगी उसको इस न्यू फाइल में इंपोर्ट कर देना है और कंट्रोल टी की मदद से आपने उस इमेज को बड़ा छोटा कर लेना, अपनी एडजस्टमेंट कर लेनी है। ठीक है जी, अब अगर आप ये इमेज का एरिया ही सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने क्रॉप टूल लेना है और यहाँ से कोई प्रॉपर्टी सिलेक्ट नहीं करनी और यहाँ से अपने इमेज को सिलेक्ट करके ओके कर देना और यह हमारी इमेज तैयार हो जाएगी और आपने इसे सेव कर देना है सेव एज। यहाँ से अपने प्रॉपर्टीज़ PNG सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, मैं ऑलरेडी PNG तस्वीरें बना चुका हूँ, तो मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था कि आप किस तरह PNG इमेज बना सकते हैं। तो अब मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूं और हम देखते हैं कि हमारी PNG इमेज का क्या रोल है इस सॉफ्टवेयर में। तो इसमें जो ये इफेक्ट आपके सामने पड़े हैं यहाँ पे, ये वाले इफेक्ट, ये PNG इफेक्ट ही यहाँ पे इसके यूज़ होंगे। तो आपने जैसे इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हम फ्राम में जाएंगे और यहाँ से इमेज लेके आएंगे जी। ठीक है जी, और हम इस इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज इंपोर्ट हो गई। आप इसको मूव भी कर सकते हैं, इमेज को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, यहाँ से आप इमेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब आप जो ये बैकग्राउंड वगैरह है इसको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये सुबह क्लिक करेंगे, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, नीचे वाला बैकग्राउंड चेंज हो गया है। अब फ्रंट पे ये जो इनको भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें, ओके कर देते हैं। ठीक है जी, अब नीचे, अब अगर आप इनको ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर आपको पसंद नहीं आया तो हम बैक पे इसे चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया जी, इसी तरह आप हर चीज़ को यहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट करते जाएंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें आती जाएंगी, आपने वहाँ से सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, इसी तरह हम नेक्स्ट इफेक्ट देख लेते हैं। अब यहाँ से भी इसे चेंज कर सकते हैं, फ्रॉम फाइल में जाना है और यहाँ से आपने इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, सिलेक्ट करने के बाद आप इसे चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं, ये देखिए,
ठीक है जी। अब हम वापस वहीं पे जाते हैं। अभी आप ये देखें, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं अभी क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये हम प्रीव्यू में जाके इसे वापस ले आते हैं, ताकि अभी हमने कोई और इफेक्ट सेलेक्ट करते हैं। हम यही इफेक्ट सेलेक्ट करते हैं जी, और यहाँ से हम फाइल में जाते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से हम ट्री को चेंज करते हैं जी, ओके कर देते हैं। हम इसे ख़त्म ही कर देते हैं जी। ये हमारा बैकग्राउंड है, इसे भी हम चेंज कर सकते हैं। यस ठीक है जी। अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम इमेज पे आते हैं और इसको हम और अब हम बैकग्राउंड को चेंज करते हैं जी। ठीक है जी। अब हम प्ले करके देखते हैं कि हमारा इफेक्ट किस तरह से लग रहा है। तो ये हमारा PNG का रोल है इस सॉफ्टवेयर में। आप इसी तरह इन इफेक्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, जिस मर्जी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। फ्रॉम फाइल में जाएं और यहाँ पे इमेज इंपोर्ट कर दें, ठीक है जी। और इनकी प्रॉपर्टीज़ आप वाटर को चेंज कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज करते जाएंगे, जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे आपके पास चेंज होते जाएंगे, ठीक है जी। और सेव करने का तरीका आपको पता ही है। यहाँ पे पहले आपने सबसे पहले सेव करना है जी, ठीक है। सेव करने के बाद फिर आपने कैप्चर में जाके रेंडर कर देना है। तो ये सॉफ्टवेयर तो सिर्फ PNG इमेज वाले थे, इसके अलावा भी आप इसमें बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट ले सकते हैं PNG इमेज में। जैसे कि मैं अभी दिखा देता हूँ, कुछ इफेक्ट हैं इसमें, ये देखें, ये देखें। आप PNG इमेज को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। आप इनको यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इन इमेज को, ये देखें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम किस तरह PNG इमेज को इस सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।